हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है और मैं हूं रंजीत कुमार और आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिस टॉपिक का नाम डिटरमिनेंट है। आज हम लोग डिटरमिनेंट के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात डिटरमिनेंट में दो टॉपिक बताएंगे। दो टॉपिक से आप लोग किसी तरह का अगर डिटरमिनेंट मिल जाए तो आप लोग आसानी से हल कर दे सकते हैं। यानी पहला टॉपिक हमने बताएंगे, जो फर्स्ट रूल हम लोग बताएंगे, सबसे पहले देखा जाए कि डिटरमिनेंट का सिंबल कैसे बनता है। डिटरमिनेंट का सिंबल बनाने के लिए ये आपका डिटरमिनेंट का सिंबल है। इस तरह से अगर डिटरमिनेंट ए का इस तरह से कोई डिजिट के रूप में दे दिया जाए, ए दे दिया जाए, बी सी डी, इस तरह से आप लोग दिया हुआ रहे दो वर्टिकल लाइन यानी दो उद्धक स्तंभ द्वारा इस तरह से अगर सिंबल दिया हुआ रहे तो हम लोग समझेंगे कि ए डिटरमिनेंट का सिंबल है, डिटरमिनेंट का चिन्ह है। तो डिटरमिनेंट का फर्स्ट रूल हम बताएंगे। फर्स्ट रूल बताने के लिए यानी सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, यानी जिसका रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। यानी रो और कॉलम की संख्या अगर बराबर हो जाता है तो उसे हम लोग समझेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स यानी सबसे पहले फर्स्ट रूल में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि अगर रो की संख्या और कॉलम की संख्या अगर बराबर होता है तो फर्स्ट रूल में वही हम लोग डिटरमिनेंट के रूप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट के रूल नंबर फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, जिस तरह से अगर मान लिया जाए कि कोई डिटरमिनेंट इस तरह से दिया गया है, यानी इसको देखा जाए कि 2×2 यानी 2×2 के मतलब जो डिटरमिनेंट का ऑर्डर दिया गया है ये 2×2 का ऑर्डर है। यानी ये फर्स्ट रूल बनाने का ये नियम है कि सबसे पहले इसमें हम लोग डिटरमिनेंट का चिन्ह पढ़ेंगे। डिटरमिनेंट का चिन्ह 2×2 वाले क्या होता है, यानी ये अल्टरनेटिव चिन्ह चलता है। सबसे पहले हम लोग प्लस देंगे, प्लस का अल्टरनेटिव क्या होगा, माइनस होगा। ये प्लस देंगे, प्लस का फिर यहाँ पर देखा जाए तो ये प्लस है तो प्लस का अल्टरनेटिव क्या होगा, माइनस होगा। माइनस का अल्टरनेटिव क्या होगा, प्लस होगा। ये आप लोग का देखा जाए तो डिटरमिनेंट का चिन्ह है, ये चिन्ह के सहारे हम लोग चलेंगे। तो 2×2 वाले डिटरमिनेंट बनाने के लिए सबसे आसान विधि क्या है कि इस क्रॉसिंग किया जाता है, इसको इससे क्रॉस कर देंगे और इसको इससे क्रॉस कर देंगे। अगर ये गुना किया जाता है, ए में डी से अगर गुना करते हैं तो ए डी हो जाएगा और बी में सी से अगर गुना करते हैं तो बी सी हो जाएगा और यहाँ पर चिन्ह माइनस हो जाएगा, माइनस चिन्ह हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू हम लोग याद अगर करते हैं तो ए डी माइनस बी सी होगा। जैसे हम लोग फॉर दिस एग्जाम्पल से समझेंगे, फॉर दिस एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। जैसे मान लिया कोई डिटरमिनेंट का वैल्यू इस तरह से दिया गया है, कोई डिटरमिनेंट का वैल्यू इस तरह से दिया गया है, 2 है 3 है 5 है और मान लिया जाए 8 है। इस तरह से कोई डिटरमिनेंट का वैल्यू दिया गया है, देखेंगे हम लोग एग्जांपल से, बहुत आसान है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 2×2 वाले हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं तो 2×2 वाले डिटरमिनेंट पढ़ने का नियम हमने क्या बताया फर्स्ट रूल में, ये जो इस तरह का सिंबल दिया हुआ रहेगा, जो भी अंक डिजिट दिया हुआ रहे डिटरमिनेंट के अंदर, तो हम लोग क्रॉसिंग करके और माइनस को घटा देते हैं, दोनों अंक को क्रॉसिंग करके और घटा दिया जाता है अंक को। तो इसमें अगर देखिए फॉर दिस एग्जांपल, हम लोग एक एग्जांपल से समझ रहे हैं, जैसा कि इसमें हम लोग गुणा इससे करेंगे, अगर ए डिटरमिनेंट ए का अगर वैल्यू ज्ञात करना रहे तो इससे गुना कीजिए, बहुत आसान है, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो 8 में 2 से गुना करिएगा तो 8 गुना कितना हो गया, 16 हो जाएगा और 5 में इससे गुना करेंगे तो 15 हो गया, 16 में से 15 जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ गया और हम लोग समझते हैं किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया जाए डिटरमिनेंट ए का दिया गया है इस तरह से, मान लिया जाए साइन थीटा है माइनस कोस थीटा है, कोस थीटा है साइन थीटा है, इस तरह से डिटरमिनेंट दिया गया है। डिटरमिनेंट ए का वैल्यू ज्ञात करना है, बहुत आसान है। 2×2 वाले डिटरमिनेंट का हमने बताया
कि तिरछा तिरछी क्रॉसिंग करके घटा दिया जाता है, यानी साइन में साइन से अगर गुणा कीजिएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। बीच में आप लोग क्या देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे। चलिए आप लोग कोस्ट में माइनस कोस्ट से गुणा कीजिएगा तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर इसको हम लोग बनाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में माइनस यहाँ पर गुणा होके कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, यानी इसका वैल्यू हम लोग 1 प्राप्त कर लिए, यहीं पर आंसर समाप्त हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल जैसे मान लिया जाए कि एक 5 एग्जांपल दूसरा एग्जांपल देते हैं। डिटरमिनेंट a इक्वल टू दिया गया है इस तरह से, मान लिया x दिया गया है, x के पावर 3 दिया गया है, x के पावर 2 दिया गया है और x के पावर मान लिया जाए 3 दिया गया है। इसका वैल्यू निकालना है, बहुत आसान है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तिरछा तिरछी गुना करके आपस में संख्या को घटा दिया जाता है। देखा जाता है क्या कि अगर इस तरह से गुना करते हैं, आप लोग बचपना में पढ़े होंगे, जैसे 8 क्लास में पढ़ना है कि बेस समान होने पर गुना में पावर जुटता है और बेस समान होने पर भागा में पावर घटता है। यानी इसमें देखा जाता है तो उसी हिसाब यहाँ पर लगेगा, एक्स के पावर 3 में अगर एक्स से गुना करते हैं यहाँ पे तो आप लोग का एक्स के पावर 3 यानी 3 और 1 पावर मिलके एक्स के पावर 4 हो जाएगा। बीच में क्या चिन्ह देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, फिर इससे क्रॉसिंग करेंगे तो एक्स के पावर 3 और 1 पावर मिलके एक्स के पावर 4 हो जाएगा। इसको देखिए कि पावर सेम है, यानी एक पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल होके इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हम लोग आप लोग के बताएं कि अगर रूल फर्स्ट में यही बताया गया कि अगर डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 वाले यानी 2 ऑर्डर वाले रो की संख्या, यानी इसको समझा जाए 2 क्रॉस 2 के मतलब रो की संख्या भी 2 है और कॉलम की संख्या भी 2 है। इस तरह से 2 क्रॉस 2 के रूप में अगर मिले तो इसका नियम है कि तिरछा तिरछी क्रॉसिंग करके संख्या को आपस में घटा दिया जाता है। जैसे कि हमने 1 से लेके 2 3 4 एग्जांपल आपने दिया, इस एग्जांपल से मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग सीख गए होंगे। और एक्सरसाइज में किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम 2 क्रॉस 2 के रूप में मिले तो बहुत आसान है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और इसके बाद मैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट बताने जा रहा हूं और ये भी काफी आसान लगेगा, कोई भारी नहीं है। और क्लास 12th में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से आप लोग का 13 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, जो काफी स्ट्रेंथिंग चैप्टर है, बच्चों के हित में काफी आसान चैप्टर है। और मैं विश्वास करता हूं कि चैनल पर पढ़ते रहिए, हर एक्सरसाइज को बताऊंगा और काफी आसान एक्सरसाइज लगेंगे, ताकि ये सब रूल को बता देने के बाद, यानी अब हम लोग डिटरमिनेंट ऑर्डर करेंगे 3 क्रॉस 3 वाले। अगर 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर मिले इस तरह से, तो मान लिया जाए कोई इस तरह से डिटरमिनेंट दिया गया है, इस तरह से डिटरमिनेंट दिया गया है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 2 है, 3 है, 1 है, 4 है, 8 है, इस तरह से कोई डिटरमिनेंट दिया गया है। जैसे कि आप लोग सूचित किए डिटरमिनेंट 1 का वैल्यू दिया गया है 3 4 5 7 2 3 1 4 8। देखा जाए तो ये आपका R1 हो गया, इसमें देखा जाए ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया, यानी फर्स्ट रो हुआ, सेकंड रो हुआ, थर्ड रो हुआ। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ये आपका सेकंड कॉलम होता है, ये आपका थर्ड कॉलम होता है। इस प्रकार से जैसे कि मैट्रिक्स पढ़ाए थे तो रो और कॉलम के बारे में हम लोग बहुत चर्चा कर दिए थे, इस प्रकार से दिक्कत नहीं होगा, पहले रो की संख्या तब कॉलम की संख्या। इस तरह से अगर क्षैतिज के रूप में पड़ा हुआ अगर दिखाई दे तो हम लोग समझेंगे कि रो की कॉलम है, और इस तरह से अगर स्तंभ के रूप में वर्टिकल लाइन के रूप में इस तरह से खड़ा हुआ रहे तो समझेंगे कि कॉलम की संख्या है। अगर 3 ऑर्डर 3 वाले क्रॉस ऑर्डर 3 वाले अगर मिल जाए तो ए भी बनाने का काफी आसान विधि है। हम लोग क्या करेंगे, इसका भी अल्टरनेटिव चिन्ह होता है,
थ्री क्रॉस थ्री वाले चिन्ह हम लोग इस तरह से डिटरमिनेंट को पढ़ेंगे। प्लस, पहले प्लस तब माइनस फिर प्लस, यानी एक अल्टरनेटिव चिन्ह को लिखते चलते हैं। प्लस अल्टरनेटिव माइनस, माइनस अल्टरनेटिव प्लस, फिर प्लस है तो प्लस अल्टरनेटिव माइनस, माइनस अल्टरनेटिव प्लस, प्लस अल्टरनेटिव माइनस, फिर माइनस है तो माइनस का अल्टरनेटिव प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये आपका थ्री क्रॉस थ्री वाले चिन्ह है। थ्री क्रॉस थ्री वाले इस तरह से अगर दिया हुआ रहे तो इसका भी बनाने का बहुत आसान विधि है। इसका नियम क्या है कि बनाने का इसका नियम है कि जैसे हमने टू क्रॉस टू वाले इसके पहले बनाया, यानी थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट मिल जाए तो इसको भी टू क्रॉस टू वाले डिटरमिनेंट में सबसे पहले चेंजिंग कर देंगे। और जब टू क्रॉस टू वाले डिटरमिनेंट में अगर चेंजिंग कर देते हैं तो आप लोग का काफी आसान हो जाएगा और किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा बनाने में। यानी उसका बनाने का नियम क्या है से देखिए, जैसे सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं, आप लोग रो की संख्या में आप लोग फर्स्ट रो क्या है, थ्री है, फोर है, फाइव है, इस तरह से अगर देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर तीन को बाहर निकाल दिया जाता है। तीन को अगर बाहर निकाल देंगे, तीन को तो बाहर निकाल देंगे यानी तीन को लिए, तो तीन को लिए तो सबसे पहले इसका नियम है कि जिसको लेते हैं उसको रो, जिसको एक कॉलम की संख्या और रो की संख्या दोनों को आपस में बंद कर लेंगे। यानी ये आपका कॉलम की संख्या हो गया, ये आपका कॉलम संख्या हो गया, ये आपका रो की संख्या हो गया। कॉलम और रो की संख्या इस तरह से ढक लेंगे। अब कॉलम की संख्या और रो की संख्या इस तरह से अगर ढक लेते हैं तो बच गया कौन, इस प्रकार से आपको टू बच रहा है, थ्री बच रहा है, फोर बच रहा है, फाइव बच रहा है। यानी इसको जिसको लेते हैं उसको ढक लिया जाता है। यानी आपका ये रो की संख्या, ये कॉलम की संख्या और रो की संख्या इस प्रकार से ढक लिया जाता है। तो बच गया क्या आपको, ये आपका बच जाता है, टू बच गया, थ्री बच गया और फोर बच गया, एट बच गया। चलिए अब हम लोग पहले बोले हैं कि अल्टरनेटिव चिन्ह लिया जाता है, पहले प्लस लेंगे इसके बाद माइनस लेंगे इसके बाद प्लस लेंगे। अब देखिए पहले हम लोग प्लस लिए, इसके बाद प्लस का अल्टरनेटिव क्या होगा, माइनस होगा, तो अब माइनस लेंगे। अब माइनस चलिए तीन को ले लिए, अब किसको लेंगे, तीन के बाद हम लोग फोर को लेंगे। फोर अगर लेते हैं तो फोर के लेते हैं तो फोर का कॉलम ढाकिए और इसका रो ढाकिए। यानी ये आपका कॉलम रो की संख्या ढाकना है और कॉलम की संख्या ढाकना है। यानी उसको अगर ढाक लेते हैं, यानी चार लिए तो चार को इस तरह से कर लीजिए, रो की संख्या में इसको ढाक लेना है और इसको ढाक लेना है। इसके बाद बच जाता है कौन, सात बच गया, तीन बच गया और एक बच गया, आठ बच गया। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि पांच के लेंगे, तो पांच के लेंगे तो ये आप लोग देखिए कि कॉलम की संख्या और रो की संख्या अगर ढक लेते हैं तो बच गया क्या, सात बच गया, टू बच गया, एक बच गया और चार बच गया। अब आप लोग का काफी आसान हो गया। जैसे हमने इसके पहले टू ऑर्डर, ऑर्डर की संख्या टू गुने टू बताया, यानी इसके पहले अब हम लोग देखेंगे कि इससे काफी आसान वीडियो हो जाता है, काफी आसान लगेगा चैप्टर। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बता रहे थे इस प्रकार से, जैसे पांच के लिया तो पांच के अगर पांच की कॉलम और पांच की रो ढक लीजिए और पांच का कॉलम ढक लीजिए। इसके बाद आप लोग का क्या बच गया, सात बच गया, दो बच गया, एक बच गया, चार बच गया। इस प्रकार से हम लोग अभी देखा जाए कि इस डिटरमिनेंट में हर डिटरमिनेंट में देखा जाए तो टू गुने टू क्रॉस का बन गया, इसमें भी देखा जाए तो टू क्रॉस टू, इसमें भी देखा जाए तो टू क्रॉस टू। इसके पहले हमने टू क्रॉस टू वाले ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट को बताया, अब जब टू क्रॉस टू वाले डिटरमिनेंट में अगर बदल देते हैं तो आपका डिटरमिनेंट काफी आसान हो जाएगा, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग आसानी से क्या करते चलेंगे, चलिए जगह न रहने के कारण हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब देखा क्या जाता है कि यहाँ पर तीन है, तीन, चलिए इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हमने बताया कि क्रॉस टू वाले अगर डिटरमिनेंट मिल जाए तो तिरछा तिरछी क्या करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे और इसमें इससे गुना करेंगे। यानी गुना करेंगे तो आठ गुना कितना होगा, सोलह हो जाएगा। बीच में क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह यानी घट जाता है। चरतियाई क्या हो जाएगा, बारह हो जाएगा। चलिए फिर क्या है,
फिर इसमें देखा जाता है यहाँ पर कि माइनस चार है, इस तरह से इसमें भी तिरछा तिरछी क्रॉस करेंगे तो 8 7 कितना होगा 56 होगा, बीच में माइनस का चिन्ह और 3 एकम 3। चलिए फिर इसमें देखा जाए तो +5 होगा, इसमें क्रॉसिंग कीजिए तिरछा तिरछी क्रॉसिंग करके घटा देंगे यानी सच्चों के 28 हो जाएगा, -2 एकम 2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आसान कर लिए। चलिए 3 गुना 16 में से 12 जाएगा कितना बच जाएगा 4 बचेगा, -4 गुना 56 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 53 बच जाएगा। चलिए +5 गुना 28 में से 2 जाएगा 26 बचेगा। इस प्रकार से अगर गुना करते हैं तो 34 12 हो जाता है, इस तरह से गुना अगर करते हैं 53 में 4 से तो 34 12 और 5 के 20 और 21 यानी 212 हो जाएंगे। प्लस इसमें गुना करेंगे तो 26 में 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30 से 5 गुना 10 और 3 13 हो जाएगा 130 हो जाएगा। यानी सबसे पहले इसमें नियम क्या है कि प्लस प्लस वाला को सबसे पहले जोड़ दिया जाता है यानी 130 और 12 जोड़िएगा तो कितना मिल जाएगा 100 आपको 42 मिल जाएगा और -212 को घटा देना है। इस प्रकार से 142 और इतना को घटाते हैं तो कहीं पे हम लोग रख करके घटा लेंगे 142 में से 212 घटाएंगे, 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा और यानी इसमें से 212 में से अगर घटा दिया जाए छोटा में से घट रहा है 142 यानी 3 हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा 7 बच जाएगा और 1 में से 1 चलेगा यानी 70 यानी -70 बच जाएगा। ये आपका क्या हो गया, यही आपका वैल्यू हो गया। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि अगर 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट मिले तो सबसे पहले इसको 2 ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट में बदल देंगे। जैसा एक एग्जांपल और हम लोग समझते हैं, एक छोटी एग्जांपल लेते हैं, अगर 3 क्रॉस 3 वाले अगर बच्चे नहीं समझेंगे तो एक छोटी एग्जांपल से एक दूसरा एग्जांपल से समझ लेंगे और एक्सरसाइज अगर बनाइएगा तो काफी आसान लगेगा। 2 क्रॉस 2 वाले डिटरमिनेंट बनाने का नियम है कि दोनों में तिरछा तिरछी क्रॉसिंग करके घटा दिया जाता है। अगर 3 क्रॉस का डिटरमिनेंट मिल जाए तो सबसे पहले उसको 2 क्रॉस वाले डिटरमिनेंट में चेंज करेंगे। जैसे एक डिटरमिनेंट एक और वैल्यू हमने लेते हैं, मान लिया जाए कि इस तरह से आपका 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 2 है 5 है 1 है, इस तरह से लिया। सबसे पहले चेंजिंग करने के लिए हमने बना देता हूं, बताया हमने क्या बताया कि इसके पहले अल्टरनेटिव चेन लिया जाता है। इसका नियम है, नियम क्या है, अगर 3 क्रॉस 3 वाले डिटरमिनेंट मिले तो सबसे पहले 2 क्रॉस 2 वाले डिटरमिनेंट में बदल देंगे। बदलने का नियम क्या है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 1 का ले रहे हैं, 1 का अगर लिए तो 2 क्रॉस 2 वाले में बदलेंगे तो 1 का हम लोग लिए तो देखिए बदल रहे हैं यानी 1 जो जिसको लेंगे उसको कॉलम की संख्या और रो की संख्या आपस में ढक लेंगे और इसके अलावे जो बचेगा उसी को कॉलम के अंदर लिख देना, यानी इसके अंदर बच गया 5 6 फिर 5 और 1 बच गया। इस प्रकार से पहले हम लोग पॉजिटिव लिए, इसके बाद हम इसका अल्टरनेटिव क्या लेंगे माइनस, तो अब 2 को लेंगे तो 2 अगर लेंगे तो 2 अगर लिए तो 2 का देखिए 2 का कॉलम इस तरह से इसका ढक लेना है और ऊपर वाला को ढक लेना है, इस प्रकार कौन बच गया 4 बच रहा है 6 है और 2 है और 1 है। चलिए माइनस का अल्टरनेटिव क्या होगा प्लस होगा, इसके बाद किसको लेंगे 3 को लेंगे, 3 को बदलेंगे तो अगर 3 को लेंगे तो देखिए 3 का कॉलम ए हो गया और ये आपका रो की संख्या, इस तरह से ढक लेना है। इसके ढकने के बाद आपको दिखाई दे रहा है 4 5 2 5 यानी इसके 4 हो गया 5 हो गया 2 हो गया और 5 हो गया, इस तरह से आपको हो गया। अब काफी आसान हो गया, इस तरह से आप लोग का किसी तरह से एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्सरसाइज जैसे ही टच कीजिएगा तो काफी आसान पड़ेगा, 2 क्रॉस 2 वाले मिलेंगे, इसके बाद 3 क्रॉस 3 वाले मिलेंगे यानी 4 क्रॉस 4 वाला मिलेंगे, जितने भी इससे ज्यादा डिजिट वाले ऑर्डर मिलेंगे तो सबसे पहले आपको 2 ऑर्डर वाले में परिवर्तन कर लेना जरूरी है। तो हमने सिखाया
यानी आपको काफी अब आसान हो जाएगा। हमने कहा कि 2 अभी 2 क्रॉस 2 वाले डिटरमिनेंट हो गया, तो नियम है कि तिरछा तिरछी गुणा करके आपस में संख्या को घटा दिया जाता है, यानी 5 में 1 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 6 बचे 30, चलिए माइनस 2 है, इस तरह से 4 एकम 4 हो गया और 6 गुणा के 12, इस प्रकार से प्लस 3 हो गया, 5 के 20 हो गया, माइनस 5 गुना के 10 हो गया। इस प्रकार से काफी आपको आसान हो जाता है। देख लीजिए 5 में से माइनस 30 जाएगा, यानी छोटा में से बड़ा घट रहा है, तो छोटा में से बड़ा घट रहा है तो यानी माइनस 25 आएगा, क्योंकि माइनस 25 में 1 से गुना कीजिएगा तो माइनस 25 ही प्राप्त होगा। चलिए आगे चलता हूँ, माइनस 2 गुने 4 में से माइनस 12 जा रहा है, यानी माइनस यहाँ पर 8 बचेगा। चलिए प्लस आपको कहाँ है, 3 है, 3 गुना क्या हो जाएगा, 20 में से 10 जाएगा, 10 बचेगा, यानी इसको देखा जाए तो माइनस 25 हो गया, और माइनस में माइनस से गुना करिएगा तो एक प्लस हो जाएगा, 8 गुना के कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी डी ई क्या हो जाएगा, 10 डी आई कितना हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा, यानी पहले प्लस वाला को जोड़ दीजिए, यानी 30 और 16 अगर जोड़िएगा तो कितना मिल जाएगा, 46 मिल जाएगा, और 46 में से माइनस 25 को अगर घटा देते हैं तो कितना मिल जाएगा, 1 हो गया, यानी 21 मिल जाएगा, यही आपका आंसर हो जाता है। तो इसके बाद मैं बताऊंगा, जैसे हमने 2 नियम बताया, 2 क्रॉस 2 वाले नियम बताया, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट बताया, यानी सबसे पहले चिन्ह याद रखेंगे, और 2 क्रॉस 2 वाला अगर नियम याद रहता है तो 3 क्रॉस 3 वाला ऑर्डर मिल जाए या 4 क्रॉस वाले डिटरमिनेंट मिल जाए, जितना भी इससे आपको डिटरमिनेंट मिल जाए तो सबसे पहले हम लोग 2 क्रॉस वाले डिटरमिनेंट में चेंज करके और काफी आसान कर लेंगे। और इसके बाद में अगले वीडियो में एक्सरसाइज इसका बताऊंगा, और इसी के